इन्हे जुलम कर दे रहा जी। अच्छा ते बाबा जी हुण तुहाडी जान नूं खतरा है? बड़ा खतरा है। अच्छा सकी औलाद तुहाडी जान दे दुश्मन बन गई? दुश्मन ठीक है, सिर्फ जमीन दी वजह तो असि बूहे जंदरे दे ते पैने आ। अच्छा वी औलाद ते सुते पै ना वड जान, नौ तां मारी कुआड़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां असलान और आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। नाज़रीन आज एक ऐसे बाप के साथ मौजूद हूं जो अदालतों में कचहरियों में दर बदर की ठोकरें खा रहा है और अपनी ही औलाद से गैर महफूज है। आज मैं एक ऐसे बाप के साथ मौजूद हूं जिसकी अपनी ही औलाद उसको कत्ल करना चाहती है और उसके नाम पर जितनी भी जायदाद है, ज़मीन है, वो अपने नाम लगवाना चाहती है। आइए इस बाप से बात करते हैं, पूछते हैं कि आज वो अदालतों कचहरियों में दर बदर की ठोकरें क्यों खा रहा है और उसकी अपनी ही औलाद उसको क्यों मारना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, की नाम ताड़ा? अब्दुल मजीद। कितों तालक ताड़ा? पांचवा नहर। अच्छा बाबा जी, की मसला है, क्यों तुहाड़ी अपनी औलाद तुहाड़ी दुश्मन बन गई? मसला है भी मेरे घर दी मर गई सी। अच्छा उन्दे नाम सी जमीन। अच्छा वो पहलो ऐवें कट्ठी बांधे सा सारे के, मुड़ो मर गई तो ना आपो आप ना लुआई जी, केड़ा मेरे को दुआड़ा सी, वो के मालने अगला छड़ते कि मैं ओ मना छड़ते ते आ मालने। अच्छा ओथो रांद पैगी। ठीक है, नो ता मारी कुआड़ी। ओए होए होए, किने कलाड़ी मारी? नो ने तुहाड़ी सगी नो ने? हां ते वो पुत्र ने बरछा मारा सिर च खा उने, उते लकवा वजल रात बड़ी निकली। अच्छा ते ਉਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਜਵਾਈ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਬੇਲੀ ਹੁਕਮ ਸੈਟਰੀ ਦਾ ਸੱਕਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੈਟਰੀ ਉਹਦਾ ਸੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਉਹਦਾ ਉਸ ਹੁਕਮ ਸੈਟਰੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਲੱਪੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਰ ਬਦਰ ਕੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਣ ਰਹੀ ਨਾ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਲਿੰਦੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਤੇ, ਮੈਂ 2.5 ਲੱਖ ਲਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਡੀਪੂਏ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇ ਨਿਕਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੜੀ? ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਢ ਦੇਈਏ, ਆਪਾਂ ਚਪਾਤੀ ਵੱਢ ਦੇਈਏ, ਬਸ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਖੜੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਾ ਦੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬਦਰਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮਨੇ ਇਲਮ ਨੇ ਇਲਮ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤਬੀਤ ਲਿਖੋ ਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲੋ, ਅੱਗ ਬਾਲੋ ਤੇ ਮੁੜ ਵੜੇ ਉੱਥੇ ਰਾਂਦ ਪੈ ਜਾਏ ਜੀ, ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸੱਕੀ ਔਲਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਈ? ਦੁਸ਼ਮਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਬੂਹੇ ਜੰਦਰੇ ਦੇ ਤੇ ਪੈਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਰਾਤ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨਾ ਵੱਢ ਜਾਣ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਉਹ ਹਮਲਾ ਬਾਹਰ ਰਾਂਦ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੌਣੀ ਕਰਤਾ ਸਾਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਰੌਣੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀਂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਸੱਟਾਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਮਰੇ ਤੋਂ ਮਰੋ ਵੰਡਣਾ, ਰੱਬਲ ਅਬਲ ਵੇਚਾਂ ਦਾ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਦੇਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਹ
नाज़रीन, ये वो बाप था जो आज दर बदर की ठोकरे खा रहा है और पुलिस के और इसकी कोई बात नहीं सुन रही, थाने कचहरी में ये दर बदर की ठोकरे खा रहा है। अभी मेरे साथ असिस्टेंट वकील साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि मामला क्या है और इसकी अपनी ही जो कि औलाद इसकी जान की दुश्मन क्यों बन गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? दलेर खान। अच्छा दलेर खान साहब, मुझे ये बताएं कि ये बाबा जी आपके पास कब से आ रहे हैं? इसको तकरीबन 2 साल हो गए हैं। 2 साल से ये थाना में जो है ना, और डीपीओ के ऑफिस धक्के खा रहे थे। अच्छा, ये क्यों धक्के खा रहे हैं? तो मुझे उधर मिले थे ये, इन्होंने मुझे उधर अपनी अपील बताई और बताया कि मैंने आपको जो है ना उधर मिलना है, मैंने आपके ऑफिस आना है। तो ये आज हमारे पास आए हैं, हम इंशाल्लाह इनकी जो है ना रेट पिटीशन 22-20 की जो है ना दायर करने लगे एडिशनल कोर्ट में। इंशाल्लाह हम जल्द ही इसको जो है ना अदालत से इंसाफ दिलवाएंगे। इंशाल्लाह आज हम इनकी जो है ना ये रेट पिटीशन दायर करने लगे। हमने इंशाल्लाह इसको जो है ना एक हफ्ते के अंदर अंदर इनकी जो है ना 22-20 की जो है ना अप्लीकेशन करके इंशाल्लाह जल्द इनकी जो है ना FIR के आर्डर करवाएंगे। मेरे काउंसिल जो है ना राय मोहम्मदी नवाज खान, राय मोहम्मद इकबाल साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे एडवोकेट हैं, बहुत अच्छे सीनियर हैं। और अच्छा, मुलजिम इसमें कौन कौन से हैं? इसमें मुलजिम है एक ही। अच्छा जी बाबा जी। एक नौ। अच्छा। एक उनका पुत्र वड्डा। ठीक है। उनका नाम है की करदा की है? वो तो पढ़दा है ना घर। अच्छा, ये तुम्हारे जानी दुश्मन के? एक पुत्र, एक धी, जुआई, जुआई का भरा, ये दुश्मन ने। ठीक है। अच्छा सर, अभी केस कहाँ तक पहुँचा है? आज हमने फाइल किया है केस, इंशाल्लाह 7 दिनों में इसकी जो है ना FIR के ऑर्डर करवा के जो इसके मुलजमान हैं उनको इंशाल्लाह जल्द अज जल्द जो है ना अरेस्ट करवा के इसको इंशाल्लाह इंसाफ की दलहीज तक पहुँचाएंगे। तो जी नाज़रीन, अभी मेरे साथ वो बाबा जी मौजूद थे जिनकी अपनी ही औलाद इनकी जान की दुश्मन बनी हुई है और ये बाबा जी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और इंसाफ की तहाइयां दे रहे हैं और DPO, DCO, SHO के दफ्तर के बाहर अपने जो कि ये मुतालबात लिए बैठे हैं और कचहरियों में धक्के खा रहे हैं कि खुदारा मुझे इंसाफ दिया जाए, खुदारा मुझे इंसाफ इसलिए दिया जाए कि मेरी अपनी ही औलाद मेरी जान की दुश्मन बन चुकी है। अभी हमारे साथ मौजूद थे असिस्टेंट जो कि एडवोकेट दलेर खान, जिसने हमें सारी जो कि बात बताई कि इसमें मामलात क्या हैं, बाबा जी के दुश्मन क्यों बने हुए हैं। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान मियां इस्लाम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।